Today let's solve the problem of dash central or dash studio launching. आज की वीडियो में हम dash central और dash studio launching problem को solve करने वाले हैं. इसके लिए मैं अभी dash central को click कर देता हूँ. देखिए ये error message आ रहा है, permission error. Dash central cannot be run with elevated permissions. मैं फिर से dash studio 64-bit को ओपन कर लेता हूँ. देखिए यहाँ पे भी सेम मैसेज, सेम एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं. तो सॉल्व करने के लिए हमें एक यूज़र अकाउंट जनरेट करना होगा. यहाँ पे मैंने कंट्रोल टाइप किया और यहाँ यूज़र अकाउंट में क्लिक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर. मैंने इस प्रोग्राम को, इस एप्लीकेशंस को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से रन किया तो ये एप्लीकेशंस चल नहीं पा रहा है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट. तो मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक नया अकाउंट बनाने के लिए. न्यू यूज़र अकाउंट से ये एप्लीकेशन डेफिनेटली रन करेगा. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट जेनरेट कर लिया है. उस अकाउंट का नाम मैंने रख दिया dash3d. ठीक है, अभी हम dash3d वाला अकाउंट में चलते हैं. मैं स्विच कर देता हूँ अकाउंट को. देखिए मैंने अकाउंट स्विच कर लिया है. देखिए मैं अभी मैंने लॉगिन किया है dash3d न्यू यूज़र अकाउंट पे. अब हमें dash central को लॉन्च कर लेते हैं यहाँ से. यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है. इसके बाद साइन इन में क्लिक करना है. देखिए मेरा dash central जो है, dash studio जो है लॉन्च हो गया. मैंने यहाँ से dash studio में क्लिक किया और उसके बाद हमें अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं. देखिए मेरा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली रन होने लग रहा है. इस तरह से dash studio और dash central में जो परमिशन एरर होता है लॉन्चिंग टाइम में, एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करके हमें सॉल्व कर सकते हैं.